राजस्थान राज्य मंत्रालय कर्मचारी महासंघ एकीकृत के जिलाध्यक्ष श्री सुरेश सांकला के नेतृत्व में जोधपुर शहर उपखंड पिपाड़ शहर बिलाड़ा के समस्त विभाग के मंत्रालय कर्मचारियों ने क्षेत्रीय विधायक महोदय श्री हीरालाल जी मेघवाल एवं श्री महेंद्र सिंह जी विस्नोई के घर पर जाकर 63 दिन से चल रही हड़ताल और तथा शिप्रा पथ पर 55 दिन चल रहे महापड़ाव एवं पिछले 8 दिन से चल रहे आमरण अनशन के बारे में अवगत कराते हुए उनको अपनी मांगों को मनवाने हेतु उनसे भी निवेदन किया तो माननीय विधायक महोदय ने हमारी बात को पूर्ण जोर से मुख्यमंत्री महोदय के समक्ष रखने का आश्वासन दिया, जिसमें विभिन्न विभागों के श्री यशपाल चौधरी, रामसुख खोजा, वीरेंद्र डूडी, विष्णोई सहित सैकड़ों मंत्रालय कर्मचारी सम्मिलित हुए। वेतन भत्ते एक समान, सचिवालय हो या राजस्थान, वेतन भत्ते एक समान, बाबू बाबू भाई भाई, बाबू बाबू भाई भाई, रेट पे 3600। बोला सर आप अपने धर्मेंद्र जी राठौर से मिले, उनसे मिले और डीएम साहब ने मैंने अरोड़ साहब ने हम जो कि मान लो ठीक रहे थे अगड़ी से घोषणा कर दी ने एंड एंड हो गए तो नहीं है हालात खराब है और लिखवा दे बना दो तो मैं बात कर थोड़ी एक अपने दावेदारी में बात कर सर हमारी कोई मांग गलत है तो सर मांग कोई गलत है दूसरे कैडर दे रहे उनके बराबर मांग ना हम ज्यादा मांग रहे हैं ब्यूरो कैसी सोचती है कि इनको नाराज करो सरकार के खिलाफ यही है मेन ब्यूरो काम सबसे सब काम बाबू साइन साइन जो बात हमारी तरफ मैं दे दूँ जितनी कोशिश कर सकूँ सर सचिवालय में भी हमारा पेमेंट और उनका पेमेंट निवासी जयपुर में ज्वाइन करता है उनको तो सचिवालय का कटर दे दिया हम यहाँ अपने सुविधा के हिसाब से यहाँ करते हैं और मेरे उनसे कुछ लाके भी हम यहाँ ट्रांसफर दिया सबकी उतनी उसमें नहीं होती सचिवालय के सचिवालय में होती है सर पहले तो हम भी सचिवालय सर पहले तो हम भी सचिवालय में दर्शन करते वो भी यहाँ आ सकते थे वो होता है तेरह बाद भी अलग कर दिया एक तो कहना मतलब एक माँ के दो बेटे थे दोनों को बराबर रखना चाहिए एक को तो अपने एक को चला दिया तो सरकार हम लोग सरकार के अंग है तो सरकार को भी हमारे जो मांगे हैं उचित मांगे हैं
उसमें अगर डिसीजन होता है तो ये सब प्लस में जाएगा। भाई 80,000 बाबू है नोटिस भी दिया लागू चलो बात करूँ मैं ठीक है सर कोशिश करूँ मारते रहो आज के निर्णय जी मारू को बात कर बैठा हूँ फोन कर दूंगा बराबरी मांग है सर सेक्रेटरी वाला आरपीसी में भर्ती हुआ जी सेक्रेटरी में लागे ज्यादा नंबर आवे जी बट लागे सब नहीं नहीं सुधर हिसाब जयपुर में दिख रहा है जयपुर जिला जैसे बहुत बुरा तो बहुत कितना मांग योगिता योगिता सेम है साहब हम जाने योगिता और प्लेसमेंट एजेंसी एक ही है सर भाई है ना कर्षियाणा नहीं 3600 दे दियो राम से सबसे कम बाबुओं के ग्रेड पे है सीएम साहब से बात करनी है बात करना पड़ेगा मतलब सर वो मिस कर ये मामला वो समझ गया लेकिन हम कन्वे सीएम साहब को करेंगे मतलब उनको दूसरों को करने से कोई मतलब सही है जो अगर मिसगाइड करें काज उनसे ही बात करें तो वो तो मतलब क्या है आप सीएम साहब को सीएम साहब से अभी मैं आप थोड़ा पुरजो और माने पैर भी करो सर साहब का वीडियो मतलब है सीएम साहब बात करना और मारे बतावानी तो मारे कर्मचारी और जितने भी मतलब है मंत्रालय कर्मचारी अपने बिलाड़ा रहोगे वेतन मन धनु मतलब कोई बात उनको नोट करते हैं बात करते हैं वो क्या कहते हैं वो जरूर बता देंगे वही बाकी वीडियो वही वही क्या कहते हैं आप तो साहब मान जोर उठाओ बाकी सब हम ये कह सकते हैं कि भाई कर्मचारी आज 62 दिनों से बैठे हैं साहब आपने सबका भला किया उनका भी ठीक है सबका भला किया है जो गहलोत ने सबका भला किया हाँ खुद ही सर सरकार रिपीट में हम सहयोग रहे ला सर तो हम मांग रहे हैं और सर 10 आदमी भूख हड़ताल पे बैठे पिछले 7-8 दिन आम रणसन पे बैठे 5-6 दिन और चले रणसन के 3-4 दिनों करवा दे मंजूरी लेकिन वी नहीं अभी बांध पाँच बैठा था 7 दिन चल वो एक हॉस्पिटल मेड में होगा ज्यादा बात हम कहेंगे भाई किनका करो यही है बाकी हाँ बिल्कुल सही है सर ज्ञापन भी भेजा ज्ञापन भी भेजा सीएम साहब वो क्या ऐसे साहब फाइनेंस सेक्रेटरी वो घुस डाल के सरकार ने कहा सर इनको कर सकते तो सर हमारे सम्मान कैडर वाले उनका किया तो उनको हमने तो विरोध नहीं किया उनका अब ये क्या कि सब वो हो जाएगा वो कौन होगा मांग हमारी दूसरे कौन आएंगे सर बीच में क्यों जब दूसरे हमारे नीचे वाले केंद्र का भी वो भी आप ऊपर लेके आ गए तो उसमें तो किसी ने विरोध नहीं किया नहीं तो आप